नमस्कार, मेरा नाम प्रणित विश्वकर्मा है। प्रगति मीडिया में आपका स्वागत करता हूं। कोविड-19, जी हां दोस्तों, जो देश में और दुनिया में भी सबसे गंभीर बीमारी, एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है कोविड-19। उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा कि कोविड-19 क्या है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर तन्वी नुसरत चौरई से, जिला छिंदवाड़ा से। नमस्ते सर। नमस्कार सर। कोविड-19 क्या है बेसिकली? कोविड-19 एक वायरल डिजीज है जो कोरोना फैमिली से बिलोंग करता है। कोरोना वायरस जो है ये बहुत पहले से है, ये अभी से नहीं है, लेकिन ये जो कोविड-19 आया है ये उनका एक नया पैटर्न है जिसका साइज, इस वायरस का साइज काफ़ी बड़ा है और ये बहुत ज़्यादा देर लंबे समय तक जिंदा रहता है। 10-10 घंटे तक जिंदा रहने की इसकी कैपेसिटी है और इसका साइज़ बड़ा होने की वजह से इन्फेक्शियस बहुत है, बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता है। स्प्रेड होने के माध्यम जो हैं इसके, वो हाथों से हैं, आपके लार से हैं, छींक से हैं, आपके शरीर के डिस्चार्ज से हैं। इस तरह के किसी भी चेहरे के डिस्चार्ज जो ज़मीन पर या किसी भी तरह के प्लेट पर, स्टील पर पड़ा रह जाए तो वहाँ हमारे हाथ लगने से या हमारे कपड़े किसी भी चीज़ को लगने से वो हमारे शरीर में जा सकता है। उसको जाने का माध्यम डायरेक्ट नहीं है, यदि वो हमारे हाथों में है तो हमारे हाथों से बॉडी में इंटर नहीं होगा। उसको इंटर होने का जो माध्यम है वो ये है, यदि हम उसको आँख पे लगाएं, यदि हम उससे नाक खुजाएं, मुंह खुजाएं, यानी जैसा हम कह सकते हैं कि शरीर के किसी ओपनिंग्स पे हम उसको टच करें तो हमारे शरीर में इंटर हो सकता है। सर, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज अभी तक, जिस तरह से हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो ट्रीटमेंट इसका कोई भी एथेंटिकल ट्रीटमेंट, एथिक ट्रीटमेंट नहीं है। इसका सिर्फ बचाव ही एक माध्यम है। दूसरा, इसका जो इलाज है वो हमारी सेल्फ इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। यदि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो हम जो बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है और आइसोलेशन है, आइसोलेशन अर्थात हमें एकांत में रहना है, आइसोलेशन ही इसका एक सबसे बेहतर उपचार है। और बाकी जो दवाइयाँ हैं जो हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं वो इसका इलाज है। सर, कोविड-19 कैसे उत्पन्न हुआ? कोविड-19 एक तरह के अपने जानवरों में होने वाली प्रजाति है जिसका संक्रमण चीन में, चीन के वुहान शहर में किसी भी तरह से, चाहे वो खाने के माध्यम से, चाहे छूने के माध्यम से, इंसानी शरीर में आया। ये एक तरह का इस तरह से वायरस होता है जो जानवरों में जिसके लक्षण अलग होते हैं और जब वो इंसान में आ जाता है तो उसका प्रारूप स्वरूप बदल जाता है और वो इंसान में उसके लक्षण अलग आते हैं। सर, जो सरकार अभी कदम उठा रही है, लॉकडाउन कर दिया देश को, काफ़ी देश में काफ़ी जिलों को भी लॉकडाउन किया है, तो क्या इससे कुछ फ़ायदे हैं? जी हाँ, इसी से सबसे ज़्यादा फायदे हैं और हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इस बात को समझें कि हमें घर पर रहना है। आप ऐसा समझते हैं कि आप एक फौजी हैं और आप घर पर रह के अपने देश के लिए सेवा कर रहे हैं और इस बीमारी से लड़ रहे हैं। यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो जग स्वस्थ रहेगा, जग स्वस्थ रहेगा तो कोई परेशानी नहीं है। कोविड-19 जिंदा कैसे रहता है, इसे हम कैसे खत्म कर सकते हैं? इसे ख़त्म करने के लिए कैसा है, कोविड-19 एक तरह का वायरस है जो एक तरह के इन्वॉल्व में रहता है, यानी लिफाफे में रहता है, जिसका लिफाफा हम साबुन या जो स्टरलाइजेशन है उससे ख़त्म कर सकते हैं। जब भी हम घर के अंदर हों या आधे से एक घंटे में अपने आप को धोएं, हाथ को धोने का 20 सेकंड कम से कम मिनिमम धोने की तरीका है, उसका हाथ से लेकर पूरी कोहनी तक हमें धोना है और ज़्यादा स्टरलाइजेशन के लिए हमें कम से कम 2 मिनट अपने पूरे हाथ धोना चाहिए, तो ये पूरे शरीर से निकल जाता है, पूरे हाथों से निकल जाता है। कोविड-19 से क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं? कोविड-19 खुद एक बीमारी है, इससे बीमारी नहीं, इसके जो लक्षण हैं वो लक्षण इस तरह से हैं कि गले में खराश होना, गले में दर्द होना, सूखी खांसी आना, हमारे शरीर में सांस लेने की क्षमता को कम करना। इसका जो कोविड-19 का इन्फेक्शन है वो सबसे पहले नेजल और थ्रोट में जाता है और कम से कम की स्थिति में ये 4 दिन वहाँ रहता है। 4 दिन वहाँ रहने में हमको जो लक्षण महसूस होते हैं वो गले में खराश से लेकर दर्द तक हो सकते हैं। उसके बाद जब ये वहाँ से नीचे उतरता है तो ये लंग्स में जाता है, फेरिंग्स में जाता है, फिर हमें फीवर का स्टार्टिंग होती है। तो ऐसा समझ के चलें कि 1 हफ्ते में हमारे लक्षण डेवलप होते हैं। इस एक हफ्ते में लक्षण डेवलप होने के कारण ये हम लेट पता कर पाते हैं। दूसरी बात, जब ये लंग्स में चला जाता है तो वहाँ ये निमोनिया कॉज करता है। तो जब भी कोविड-19 से किसी की मृत्यु होती है तो उसमें कॉज ऑफ डेथ सिर्फ निमोनिया ही आता है। सर, इससे हम किस तरीके से बचाव कर सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स, फैमिली और परिवार के बाकी लोगों का?
इससे बचाव का सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम है, आइसोलेशन और स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन यानी हम अपने शरीर को स्टरलाइज करें। यदि हम किसी कारणवश बाहर गए हैं, पहले तो हमें बाहर जाना ही नहीं है, यदि हम किसी कारणवश बाहर गए हैं तो जो हमारे कपड़े हैं उनको हम कम से कम की कंडीशन में गर्म पानी में खौला के और उसका स्टरलाइजेशन करें। दूसरी बात, यदि हम घर से बाहर गए हैं तो हमें जितनी बार भी हम घर पर लौट रहे हैं तो हमें कम से कम 2 मिनट अपने हाथों को धोना है और चेहरे को भी धोना है। तो हम इस तरह से अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि काम ना हो, मेरी फिर से जनता से विनम्र अपील है कि यदि काम ना हो और काम अर्थात कोई ज़रूरी काम ना हो तो हम घर से बाहर ना निकलें। सर, आप हमारे पब्लिक को भी बता सकते हैं कि किस तरीके से वो खुद भी बचें और किस तरीके से दूसरों की भी सुरक्षा करें और अपना देश में एक महत्वपूर्ण योगदान दें, उसके बारे में भी आप बोल सकते हैं हमारे जनता को। ये हमारा सबका प्रथम और आंतरिक दायित्व है कि हम अपने परिवार को और अपने समाज को आइसोलेट करें। आइसोलेट का अर्थ हम अपने घर में रहें और अपने घर में अपने आप को दूसरे लोगों से कम की स्थिति में 1 मीटर यानी 3 फीट की दूरी पर रखें, क्योंकि जो COVID-19 का खतरा है वो छूने से ये इस तरह से फैलता है जैसे हमारे हाथ का एक उदाहरण से कह लेंगे, हमारे हाथ का पसीना या हमारे हाथ की कोई भी चीज़ जो दूसरे के हाथ में चली जाती है वो बहुत तेज़ी से जाती है। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हर आदमी का दायित्व है, हर व्यक्ति का दायित्व है कि वो अपने समाज को इस चीज़ से सुरक्षित रखे, क्योंकि जैसे जो दूसरे बड़े देश हैं जहाँ स्वास्थ्य सुविधा हमारे देशों से ज़्यादा बेहतर है, तो वो भी इस बीमारी से लड़ के थक रहे हैं और हार रहे हैं। हमारे अंदर जो इम्यूनिटी पावर है उसको बढ़ाएं और शुक्र है ऊपर वाले का कि हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है बाकी देशों के मुकाबले, और हमारे यहाँ के जो मकान हैं, जो दूसरे तरीके से हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इसलिए बेहतर है क्योंकि हमारे घर एक दूसरे से चिपके हुए नहीं हैं, सटे हुए नहीं हैं, हम लोगों के बीच में दूरियाँ हैं। अभी स्थिति हमारी एक दूसरे के करीब आने की जगह दूरी बनाने की है, तो हम कम से कम 1 मीटर से 1.5 मीटर की दूरी आपस में बना के रखें, और घर में भी हम जब रहते हैं तो हमें इसी तरह से रहना अत्यंत आवश्यक है। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे चौड़ी में डॉक्टर एसोसिएशन, जो हमारे एसोसिएशन है, तो हमारे जितने डॉक्टर्स हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसके लिए। हमने खुद से अपनी तरफ से प्रशासन को इस चीज़ का सहयोग दिया है, हमने अपने प्रशासन को ज्ञापन दिया है कि इस बीमारी से लड़ने के लिए जो भी योगदान हम लोग दे सकेंगे वो देंगे, और प्रशासन ने हमारी मदद ली है। हम हॉस्पिटल्स में और जो यहाँ पे चेक पोस्ट बना है वहाँ जाकर अपनी सेवाएं देते हैं, और हम पूरे दिन से रात 24 घंटे अलग अलग शिफ्टों में काम कर लोगों की सहायता कर रहे हैं। सर, इसके लिए मैं अपने सहयोगियों की, अपने चिकित्सकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और बाकी लोगों से भी मेरी इसी तरह से अपील है कि इस समय हमें अपना काम छोड़कर देश के लिए काम करना बहुत अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि हमने सर से जाना कि बचाव ही एक उपाय है, कृपया अपने घरों में रहें। प्रगति मीडिया आपसे बार बार अपील कर रहा है कि आप घर पे रहें, सेल्फ आइसोलेशन करें और सुरक्षित रहें इस गंभीर बीमारी से।